देश भर में लॉकडाउन लागू होने की वजह से गरीबों और मजदूरों के सामने दो वक्त का खाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए प्रयागराज में कुछ लोगों ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की, ताकि जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा सके। इसके लिए कम्युनिटी किचन में कुछ लोग पूड़ियां बनाते दिखाई दिए, जबकि कई लोग अलग अलग डिब्बों में पूड़ी और सब्जी पैक करते नजर आए। अवधि है लॉकडाउन की, उस अवधि तक इनका कम्युनिटी किचन इसी तरह चलता रहेगा और जो लोग भी जरूरतमंद हैं उनको भोजन इसी तरह से वो उपलब्ध कराते रहेंगे। खाना लेने के लिए कम्युनिटी किचन के बाहर कई लोग एक लाइन में खड़े दिखाई दिए, जिनमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। कोरोना वायरस न फैले इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और लोगों को एक दूसरे से दूर खड़ा किया गया। लाइन में लगे लोगों को सबसे पहले सैनिटाइजर दिया गया ताकि वो अपने हाथ साफ कर सकें। उसके बाद ही उन्हें खाने के पैकेट दिए गए। शाम के भोजन में हम कढ़ी और चावल रखते हैं या तहरी रखते हैं और दोपहर के भोजन में पूड़ी और सब्जी रखते हैं,